हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आज के हमारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए और आपको बताते चलते हैं टाइम टेबल। मॉर्निंग में 9 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास है, दोपहर के 2 बजे आपकी इस समय मॉडल पेपर वाली क्लास चल रही है, सर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप ज़रूर देखिएगा। और रात 10 बजे हमारे NCERT 5000 क्वेश्चन की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको बताते ही चलते हैं, अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ तो पेट में आपके यहाँ पर हमारे GS NCERT GS और करंट अफेयर से मिला करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 72 क्वेश्चन के करीब। इतना बहुत स्कोर होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अभी एग्ज़ाम यही तो एक आ रहा है, जूनियर सुपर टेट, एक सीट अगर इस पर आप मतलब कब्जा कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। चलिए, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? दोहा, जिनेवा, बगदाद या फिर कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जिनेवा। देखिए, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट, ये 2021 को जिनेवा में आयोजित किया जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और आपको बताते चलते हैं, इस वर्ष का जो आयोजन होगा, समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं पर इस पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन जो है वो किस विषय के तहत आयोजित किया जाता है, आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन ये होगा शेपिंग अ इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ये यहाँ पर लिखा है शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी विषय के तहत आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये विषय मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आयोजित होगा 2021 का, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बस ज़्यादा कुछ नहीं तैयार करना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए पुस्तक से रिलेटेड है और यहाँ पर आपको 2-3 पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी आज की क्लास में। क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बोरिया मजूमदार और साथ ही साथ कुशाम सरकार। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों ने लिखी है। ठीक है, बोरिया मजूमदार और कुशाम सरकार के द्वारा लिखित है ये मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं इस पुस्तक में क्या कुछ है। तो पुस्तक कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं के बारे में जैसे बात करती है, थोड़ी थोड़ी सी कहानी है, जैसे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, तो जो विभिन्न क्रिकेटर हैं होती ना एक शॉर्ट स्टोरी, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो सभी को बड़ी पसंद आती हैं, सब देखना सुनना भी चाहते हैं ऐसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक है बैटलफील्ड के लेखक कौन है? बैटलफील्ड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, विश्राम वेडेकर। तो विश्राम वेडेकर के द्वारा लिखी गई है बैटलफील्ड ये पुस्तक, जिसका अनुवाद किसने किया है? जैरी पिंटो द्वारा, मराठी मूल रानांगन से किया गया है। और आपको बताते चलते हैं, ये पुस्तक एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार मतलब रोमांस की कहानी है। दोनों द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप से भाग गए थे। तो मतलब कुछ ऐसी ऐसी भी जिंदगी में होती हैं तो बड़ी अच्छी सी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब उसको किताब में ऐसे उतार दिया जाता है, अच्छी सी होती हैं, किसी के बारे में एक पॉजिटिव एनर्जी का मतलब चारों तरफ वायुमंडल में एक एनर्जी वाइब्रेट करती है, तो अच्छी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपको पता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रितु मेनन के द्वारा। रितु मेनन की किताब है एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। ठीक है, इन्होंने मेमन जिन्होंने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस कॉलिव फॉर वीमेन की स्थापना की। और आपको बताते चलते हैं, ये KFW की एक सहयोगी वीमेन अनलिमिटेड के संस्थापक और निदेशक भी हैं।
और आपको बताते चलते हैं, मार्च 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन शुरू होने के हफ्तों बाद मैंने एक डायरी लिखना शुरू किया था। तो शायद वही डायरी इस मतलब जो कुछ भी लिखा है, तो उन्होंने इस किताब में वही सब चीज़ें लिखी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर बनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, स्वीडन है। ऑप्शन डी सही होता है, स्वीडन है। तो आपको बताते चलते हैं, ये जो स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर है ना, इसने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित किया स्टील को। तो दुनिया की पहली बिना मतलब कोयले का उपयोग किए गए उत्पादित स्टील है ये। तो वही है कोयला, मतलब जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर बनाया गया, बिना कोयले का यूज किए स्टील बनाया गया, वो कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया स्वीडन में। ठीक है, चलिए और आपको बताते चलते, स्टील को फिर कैसे बनाया गया? स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी है एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग एक टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करके बनाया गया है। और जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का ये उपयोग करता है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की, और स्वीडन की जो आधिकारिक मुद्रा है ये है क्रोना। क्या है? क्रोना है। और स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लफवेन, स्टीफन लफवेन ये हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए किसने समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, MyGOV और UN विमेन ने। तो आपको बताते चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत MyGOV और संयुक्त राष्ट्र महिला UN विमेन ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। इस चुनौती का उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा महिला सुरक्षा और अधिकारिता से संबंधित एक प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करना है। ये पहल मिली जो है ना, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए मदद करेगी। और आपको बताते चलते हैं MyGOV के बारे में, तो MyGOV जो है भारत सरकार का नागरिक केंद्रित मंच है, जो लोगों को सरकार से जुड़ने और सुशासन की दिशा में योगदान करने का अधिकार देता है। और साथ ही साथ में संयुक्त राष्ट्र महिला के बारे में आपको बताते चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महिला जो है UN विमेन लैंगिक समानता पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ड किसके द्वारा विकसित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है IIT मद्रास। ऑप्शन ए सही हो जाता है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने नियोबोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि आसमान वाले इलाकों में भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति कितनी होगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जो मोटर विकलांग लोग होते हैं, जो मतलब चल फिर नहीं सकते, उन लोगों के लिए काम करने मतलब इस जो उनके लिए काम करता है संगठन, उससे हाथ मिलाया अस्पतालों से, फिर इस तरीके से मतलब अपने काम को बढ़ावा दे रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। अच्छा, आपको बताते चलते हैं, नियो बोल्ट की कीमत लगभग आप ये जानिए 55,000 रुपये की अनुमानित कीमत पर ये उपलब्ध की जाएगी। और आपको मैंने बताया है, ये लिथियम आयरन बैटरी के द्वारा संचालित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथियम आयरन बैटरी के द्वारा ये संचालित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? स्विट्जरलैंड, दुबई, अमेरिका या फिर कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, दुबई है। आपको बताते चलते हैं, दुबई कोर्ट्स ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की है। आपको बताते चलते हैं, इससे ये जो है ना, वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से ये बनाई गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक ग्वारेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एनसीडेक
NCDEX, NTPC या फिर विकल्प कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है NCDEX के द्वारा। तो भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स में एग्री कमोडिटी बास्केट यानी कि ग्वारेक्स नेशनल, देखिए ग्वारेक्स जो है नेशनल, NCDEX का फुल फॉर्म बता रहे हैं, नेशनल कमोडिटी, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक, लार्जेस्ट ग्वार प्रोड्यूसर देश है, जिसका उत्पादन 80 से लेकर के 85% है, जबकि राजस्थान 80% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश का शेष उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, तो किसके संबंध में? ग्वार के संबंध में। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट NCDEX से रिलेटेड बताते हैं। NCDEX पहले, ये तो आप अभी तो आपने बताया आपको नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, तो NCDEX के CEO कौन हैं? तो NCDEX के CEO हैं विजय कुमार वेंकटरमन। NCDEX की स्थापना कब हुई? 15 दिसंबर 2003 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 अगस्त को। तो कुत्तों के बचाव के लिए एक मतलब अच्छा सा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत 2004 में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं, जो 26 अगस्त है, 26 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना गया था। आपको बताते चलते हैं कि ये जो एक डॉग ट्रेनर है, कोनीज पैच, यहाँ पर कोलीन पैच, इनके द्वारा जो नेशनल डॉग डे शुरू किया गया था, कहाँ पर? अमेरिका में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील एन दुबई कहाँ पर बनाया गया? एन दुबई ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये कहाँ पर बनाया जाएगा नाम से ही पता चल रहा है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, UAE के द्वारा। तो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील किसके द्वारा बनाया गया? संयुक्त अरब अमीरात, UAE के द्वारा कहाँ पर बनवाया गया? दुबई में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन व्हील जिसे एन दुबई, AIN दुबई कहा जाता है, आपको बताते चलते हैं, इसकी जो ऊंचाई है ना 250 मीटर है, 250 मीटर लगभग 820 फीट के बराबर है, और ये कहाँ पर स्थित है आपको बताते चलते हैं, ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, ब्लू वाटर्स, ये ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। आपको बताते चलते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहिया लॉस वेगास में वर्तमान दुनिया के सबसे ऊंचे अवलोकन व्हील हाई रोलर से ये 42.5 मीटर लंबा है, कहने का मतलब इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में पांचवा भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या रखा गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, काजिंद 21 है। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के पाँचवा संस्करण है, जिसका नाम काजिंद 21 रखा गया। और आपको बताते चलते हैं, ये जो प्रशिक्षण है ना, कजाकिस्तान के आयशा बीबी, एक जगह है आयशा बीबी, वहाँ पर ये प्रशिक्षण हो रहा है। तो जब भी प्रशिक्षण होता है दोनों सेनाओं के बीच, किसी दो देश की सेनाओं के बीच होता है, तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो द्विपक्षीय संबंध है इनको बढ़ावा दिया जाए ना।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कजाकिस्तान की। भारत के बारे में तो आपको पता है, कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे है, ठीक है। कजाकिस्तान के पीएम कौन है? अस्कर अस्कर मामिन है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, संदीप बख्शी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी। आपको बताते चलते हैं, ये 2021 से लेकर के 2023 तक इनका पद प्रभावी रहेगा। कहने का मतलब अब यहाँ तक आपको करंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये अब अगले 23 तक ये संदीप बख्शी ही रहने वाले हैं, अगर ये खुद से हटते नहीं है तो, ठीक है। आपको बताते चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण विवाद के बाद से ये चंदा जो कोचर थी, इनके बाहर निकलने के बाद बख्शी, जिन्हें मतलब बख्शी ने कार्यभार संभाला था। अब यहाँ पर बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन क्या है? हम हैं ना ख्याल आपका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में सुजलम अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का मतलब अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों को बनाने के लिए सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। जैसे मतलब ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का मतलब अपशिष्ट जो जल प्रबंधन है इसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, जैसे अपशिष्ट का निष्कासन वगैरह होता है ना, तो उसके वो और जल प्रबंधन, जल मुहैया कराना और अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने के लिए सुजलम अभियान एक शुरू किया है जो 100 दिनों का अभियान है। तो अभियान जो है अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा और बदले में 10 लाख सोख पिट के निर्माण में और जल निकाय के लिए कुछ व्यवस्था करेगा। और आपको बताते चलते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अभियान चल रहा है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये शुरू हुआ था 25 अगस्त 2021 को। तो 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ यह अभियान किसका हिस्सा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव इसका ये हिस्सा है। कौन सा? सुजलम अभियान। बात समझ में आई है? सुजलम अभियान ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समारोह का ये हिस्सा है। आपको बताते चलते हैं, जो सुजलम अभियान है मेनली ये तीन क्षेत्र पर फोकस कर रहा है। तीन कौन कौन सा है? 1 मिलियन सोख गड्ढों का निर्माण करेगा, शौचालयों की रेट्रोफिटिंग कराएगा और नए घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान करेगा। पहले तो गड्ढे को बनाएगा, फिर उसके बाद से शौचालयों की रेट्रोफिटिंग करवाएगा, फिर उसके बाद से नए घरों में जो शौचालय हैं वो बनवाएगा। तो इसी के साथ ही आज की करने की क्लास कंप्लीट होती, करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिविजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ऑप्शन बी। और ये विषय है इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन, शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुस्तक है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार दोनों के द्वारा। हाल ही में पुस्तक है बैटल फील्ड इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, विश्राम वेडे वेडेकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक है एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमायर इन द टाइम ऑफ कोविड, ऑप्शन ए सही हो जाता है, रितु मेनन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर बनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए किसने समझौता किया? ऑप्शन सी सही होता है, माई जीओवी और साथ ही साथ में
यूएन विमेन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, आईआईटी मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की? ऑप्शन बी सही हो जाता है, दुबई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक ग्वारिक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, NCTEX के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन सी सही होता है, 26 अगस्त। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील एंड दुबई कहाँ पर बनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, UAE में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पांचवां भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है, काजिंद 21। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील एंड दुबई कहाँ पर बनाया गया? ऑप्शन ए UAE। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ICICI बैंक के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुजलम अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, जल शक्ति मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है, करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 23 अगस्त है। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्माइली साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व CM कल्याण सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य के CM थे? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए TM। हाल ही में क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हाईवे भारत में पहला एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवे बना है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, दिल्ली चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन एलेक्सा को भारत में किस अभिनेता की आवाज़ मिली? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, अमिताभ बच्चन को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की और कल की करंट अफेयर की क्लास का सुपरफास्ट रिविजन कम्प्लीट होता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील एंड दुबई कहाँ पर बनाया गया? आप सभी को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर बनाया गया? नेक्स्ट, पुस्तक है बैटल फील्ड के लेखक कौन है? आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो तीन क्वेश्चन की रिप्लाई आपको करनी है फटाफट से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए और हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।